हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल एडवर्ब लाइव क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करी थी अपन ने जो हाई कोर्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। उसमें तो पहला पेपर होगा, उनमें आपका जो मैथमेटिक्स हो गया, इसको अपन क्वांट बोलते हैं, या फिर आपका दूसरा पोर्शन होता है इंग्लिश का, फिर आपका जीके वगैरह भी आता है, उसकी वीडियोज भी आपके इस चैनल पे चल रहे हैं। तो हम बात करने वाले इंग्लिश में एडवर्ब के अंदर। एडवर्ब के दो या तीन क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो उसके अंदर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश से किसी भी रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो आप इस वीडियो में जा सकते हैं, आपको सारे यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो पोर्शन है, ठीक है। देखो, हाईकोर्ट के जो आपकी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे आपके स्टेट्स में आ चुकी हैं, आने वाली हैं, तो आपने यदि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो स्टार्ट कर लें और एक शेड्यूल बना लें कि हाँ, इस टाइम मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, इस टाइम मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना है, और जो आपका शेड्यूलिंग होगा वो आपको प्रॉपर चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, आज का जो एक तरह से एडवर्ब है, देखो एडवर्ब को आप हमेशा पेर में पढ़ें। कोई भी चीज को आप पेर में पढ़ते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं तो चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं, है ना। तभी मैं क्या कर रहा हूं कि दो दो एडवर्ब को या तीन तीन एडवर्ब को साथ में लेकर चल रहा हूं, फिर इनके यूजेस देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन क्या, कंफ्यूजन एक चीज में नहीं होता, कम से कम दो चीज चाहिए कंफ्यूजन होने के लिए, तो उन दो को साथ में लेकर चलना है, कंफ्यूजन दूर करना है, ये अपना मोटो है, ठीक है। तो आज का जो अपना फर्स्ट है, आज का जो फर्स्ट बता रहा हूं मैं, वो अपना है, एक पास होता है आपके पास मच टू, और एक होता है टू मच, ठीक है। ये दो अपने पास होते हैं। तो ये मच टू है, ये टू मच है, तो इनको यूज कैसे करना है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इसके साथ में आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दैट मीन्स उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, लाइक हैप्पीनेस हो गया, लाइक फन हो गया। और इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आपको पता है कि मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को। सो इन दोनों की यूजेज आपको पता लग गया क्या क्या है। मच टू के साथ में एडजेक्टिव आएगा, टू मच के साथ में आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। फिर भी आपको मैं एक वर्ड बताता हूं, आप किसी पार्टी में जाते हैं, फिर आपको कोई पूछता है कि क्या कैसे गई पार्टी, तो आप बोलते हैं वी हैड टू मच फन, कि हमने बहुत सारे मजे किए, है ना, फन किया, बहुत सारे मजे किए। तो आपको याद करना बस टू मच फन। देखो, टू मच का मतलब ये रहा, और फन मतलब आपने वहां पे मतलब कि एंजॉय किया, टू मच एंजॉय किया, टू मच फन किया। तो फन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव तो नहीं है, फन आपका एडजेक्टिव तो नहीं होता, दैट मीन्स आपका क्या है, नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते आप फन को, वन फन टू फन ऐसे नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको याद करना बस एक सेंटेंस छोटा सा, वी हैड टू मच फन। तो टू मच के साथ क्या आ रहा है, आपकी नाउन आ रही है, वो भी कौन सी, सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो आपको याद रह जाएगा। और जब एक याद हो जाएगा तो दूसरे के साथ में आपको एडजेक्टिव लगाना है, ये आपको एक तरह से बेसिक रूल था। आप देखते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। आई हैव मच टू पेन इन माई लेग्स, यानी जो कोई पर्सन बात कर रहा है कि मेरे टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है, टू मच यानी बहुत ज्यादा। तो यहां पे देखो, मुझे बताओ, यहां पे पेन जो आपका वर्ड है वो क्या है, मतलब कि आपका पेन होता दर्द होना, है ना। तो यहां पे पेन क्या है, दर्द, यानी नाउन है। तो मुझे बताओ, नाउन से पहले क्या आता है, आपका टू मच आता है, और जो मैंने बोला भी यही था कि टू मच पेन, है ना, मैंने मच टू पेन तो बोला ही नहीं, टू मच पेन होता है। तो यहां पर ऑर्डर गलत लगा रखा है, सेंटेंस बनेगा आपका आई हैव टू मच पेन इन माई लेग्स। एक तो आपको idiom होती है, idiom क्या होती है, टेक पेन्स, ठीक है, या फिर टू टेक पेन्स, एक ही बात है। टेक पेन्स क्या होता है, टेक मतलब लेना, पेन्स मतलब एक तरह से आप समझो कि आप यदि कोई कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, आप अपनी एडवर्स कंडीशन जो होती हैं, जो आपको अपोज करती हैं, उनके सामने लड़ते हैं, तो आप एक तरह से बहुत ज्यादा करेजियस पर्सन होते हैं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, यानी परिश्रम करते हैं। इसको बताने के लिए idiom आती है टू टेक पेन्स, समझ में आ गया। तो यहां पे पेन क्या है, एस जरूर है, ध्यान रखना पेन्स लगा हुआ यहां पे पेन ही है, ठीक है। सेंटेंस बनेगा आई हैव टू मच पेन इन माई लेग्स, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ता हूं, सेकेंड अपना सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, किसी से अलगाव होना, किसी से अलग होना। सेपरेशन फ्रॉम हिम इज टू मच पेनफुल टू मी, यानी उससे अलग होना मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैंट बियर।
सो यहां पे बोला गया है सेपरेशन यानी अलग होना फ्रॉम हिम, ये फ्रॉम हिम इसके लिए आया, तो सेपरेशन अपनी नाउन है और सेपरेशन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर यहां पे वर्ब आई है। अब देखना यहां पे पेनफुल क्या है, पेनफुल आपका क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, पेन आपका क्या होता है नाउन होती है लेकिन उसका जो एडजेक्टिव बनाते हैं तो एफ यू एल लगता आगे और पेनफुल यानी दर्दनाक ऐसे बोलते हैं ना, तो पेनफुल यहां पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पास्ट में जाएंगे तो उससे पहले आता है मच टू आएगा ना कि टू मच, आपका इसका भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, तो समझ आएगा अपना रूल क्या है। आपको देखो एक चीज याद करनी है, वी हैड टू मच फन, ये सेंटेंस आप बहुत ज्यादा बार रीइटरेट करते हैं, बोलते हैं, रिमाइंड करते हैं, बस आपको याद रखना है टू मच के बाद में आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, दैट्स इट। इसके आगे आपका नाउन आ रहा है तो जब रिवर्स करेंगे तो एडजेक्टिव आएगा, और आपको यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है, यह तो पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब। अब देखना इसके अंदर ये अपना बेसिक पार्ट था मच टू का टू मच का, आज का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। जो आज का अपना सेकंड पेयर है एडवर्ब्स का जिसको स्टडी करना है वो कौन सा है आपका, ये वाला है। देखो इसके अंदर आपको ये आपका टू हो गया, ठीक है, एक होता आपका एज वेल, ठीक है, अभी बताऊंगा इनका यूज कैसे करना, पहले मैं लिख देता हूं, और ऑल्सो सेकेंड इसमें आपका नाइदर, सिर्फ और सिर्फ नाइदर। आप सोचोगे कि ये इनके साथ में नाइदर कैसे आ गया, एक बार ध्यान देना, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे टू एज वेल आपका, ठीक है, और ऑल्सो इनका मतलब होता है भी, क्या मतलब होता है इनका भी, यानी वो बाजार जाता है और वो भी जाता है, मतलब दो पर्सन बाजार जाते हैं और उनको आप अलग अलग बोलते हैं कि वह बाजार गया और फिर वो भी बाजार गया, तो वो भी आपने बोला ना, उसका मतलब होता है टू एज वेल और ऑल्सो, ठीक है, ये आपके सारे के सारे पॉजिटिव सेंस में आएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव सेंस यहां पे मतलब है कि उस सेंटेंस में नॉट नहीं होना चाहिए, और यदि उस सेंटेंस का नेगेटिव सेंस है तो नाइदर आता है, बस इतना आपको याद करना है। अब एक आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये टू तो पहले से नेगेटिव में आता था तो ये पॉजिटिव में कैसे हो गया, देखो उस टाइम इसको अपन कंपेयर कर रहे थे कि वेरी और टू के साथ में, उनका कंपेरिजन देख रहे थे, तो यहां पे क्या था, ये पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इसका अर्थ जो है अपन भी के बारे में सोच रहे हैं, वहां इसका मतलब बहुत था, ये बहुत है ना, यहां इसका मतलब बहुत नहीं है, इसका मतलब भी यानी वो भी गया, तो भी अपन यूज करते हैं ना हिंदी के अंदर, तो इसका मतलब ये है, तो पॉजिटिव सेंस में, नाइदर अपना नेगेटिव सेंस में, लेट टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है। और देखो एक बात और यहां पर इसके साथ में लिख देता हूं मैं, है ना, इसके साथ में एक आपको लिख देता हूं मैं कौन सा, देखो आपके टू और एज वेल होते हैं ना, टू और एज वेल क्या होंगे, नाउन के बाद में आते हैं, नाउन के बाद में आते हैं, कैसे मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके नाउन होते हैं, इनके बाद में आएंगे कौन कौन, आपका टू और एज वेल, लेकिन ऑल्सो होता है ऑल्सो, वो आपका इनसे पहले आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले, समझ में आ रहा है। मैंने यहां पे आपको चार लाइंस लिखी है, फोर लाइंस, कौन कौन सी, टू एज वेल ऑल्सो जिसका अर्थ भी में होता है वो पॉजिटिव सेंस में आते हैं, नाइदर इसका मतलब भी ही होता है, यहां पर नाइदर का मतलब क्या होता है वैसे, तो दो में से कोई नहीं होता है, दो में से कोई नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे सेंटेंस पे इसका मीनिंग निकलेगा वो भी नहीं गया, ठीक है, तो वहां पर भी है नेगेटिव सेंस में। अब बात करते हैं इन दो की होगी, इन दो की टू और एज वेल आते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में, यानी कि नाउन के बाद, और ऑल्सो जो बच गया वो आता है उनसे पहले। नाउ एग्जांपल सकते हैं इसके, ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ही हैज लॉस्ट वॉच एंड वॉलेट टू, ही हैज लॉस्ट वॉच एंड वॉलेट टू, उसने अपनी घड़ी खो दी और अपना वॉलेट भी खो दिया, तो वहां पे भी मतलब आया ना, है ना, उसने अपनी घड़ी खो दी एंड वॉलेट भी खो दिया, तो देखो आपने टू लगाया, तो आपने देखा कि वॉलेट क्या है, यहां पे नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू और एज वेल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ही आने चाहिए, दैट मीन्स आपका टू यहां पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मैं टू को यहां लगाता तो गलत हो जाता, ही लॉस्ट वॉच एंड टू वॉलेट, यह गलत हो जाता सेंटेंस, सेंटेंस बनेगा ही लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट वॉच एंड वॉलेट टू, यह आपका सही सेंटेंस है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पे एज वेल भी लगा सकते हैं, एज वेल, ठीक है, यहां पे चाहें तो आप एज वेल भी लगा सकते हैं, तो आप पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ही हैज लॉस्ट वॉच एंड वॉलेट एज वेल, तो यहां पे एज वेल और टू जो आएंगे वो आपके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते,
ठीक है। अब देखो यहां पे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, सेंटेंस हमने पास, इसी को चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है, इसी को चेंज कर देते हैं, ही हैज लॉस्ट वॉच एंड। अब देखो इसी सेंटेंस मुझे यदि ऑल्सो यूज करना है, मेरे पास यदि मेरे को ऑल्सो यूज ही करना है तो कहां करेंगे, ये आएगा यहां पर। आपको पता क्यों, क्योंकि लास्ट में तो आ नहीं सकता। ही हैज लॉस्ट वॉच एंड वॉलेट ऑल्सो, ये सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, ऑल्सो कभी भी लास्ट में नहीं आ सकता। लास्ट का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में, ये उससे पहले आता है। तो सेंटेंस बनेगा कि उसने घड़ी भी खो दी, घड़ी खो दी और साथ के साथ में उसने वॉलेट भी खो दिया, तो भी के अर्थ में ऑल्सो आ रहा है, लेकिन उससे पहले आएगा। तो एज वेल और टू तो आएंगे बाद में और ऑल्सो आएगा पहले, तो इनको मैंने साथ में बता दिया एक ही सेंटेंस के अंदर। ऑल्सो सब्जेक्ट और नाउन ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और टू और एज वेल उसके बाद में आएंगे। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, तीनों फॉर्म मैंने सामने लिखी हुई है, समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ता हूं मैं, देखो अपना नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है, नेक्स्ट अपना ही, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम के अंदर, ही डजंट लाइक कॉफी, ही डजंट लाइक कॉफी एंड आई डोंट लाइक इट आइदर। वह कॉफी पसंद नहीं करता है और मैं ही मैं पसंद करता हूं। और देखो यहां पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ही डजंट लाइक कॉफी एंड आई डोंट लाइक इट, इट का मतलब कॉफी आइदर, मैं भी पसंद नहीं करता हूं। आइदर आपका लास्ट में भी आता है, इसको इधर भी बोलते हैं आइदर भी बोलते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। ही डजंट लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद नहीं करता है और मैं ही मैं पसंद करता हूं। पहली बात बताऊं, पॉजिटिव सेंस है नेगेटिव सेंस है, यहां पे नेगेटिव सेंस हो जाएगा बिकॉज नॉट आ रहा सब में, है ना, वो भी पसंद नहीं करता मैं भी पसंद नहीं करता। नेगेटिव सेंस भी आए जब आपको टू एज वेल, ठीक है, और यहां पे आप आइदर हटा के आप एज वेल करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, एज वेल मैंने लिखा हुआ ऊपर, और आइदर आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, आइदर भी आ सकता है, लाइक इट एज वेल। तो आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है, करेक्ट करना है। पहले बताऊं आपका नेगेटिव सेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस में कौन सा आएगा, ये वाला भी आएगा या ये वाला आएगा, नाइदर आएगा। तो नाइदर को यूज करने का तरीका बहुत डिफरेंट है और उसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने पहले बता चुका आपको, ये होता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब, इन्वर्जन का मतलब साफ साफ क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाना एक तरह से इन्वर्ट कर दिया आपने, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इन्वर्जन यहां पे सबसे ज्यादा करेक्ट, यहां पे इन्वर्जन होता है सबसे ज्यादा करेक्ट। यदि आपको कोई बोलते इसको इंप्रूव करो, तो इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा जो मोस्ट करेक्ट होता है वो होता है आपका इन्वर्जन। और कैसे हुआ देखना इसको, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है, ही डजंट लाइक कॉफी एंड, यहां तक करेक्ट है। इसके बाद में आपको इस सेंटेंस को पूरा ही हटाना पड़ेगा और आपको लिखना है नाइदर, नाइदर, ठीक है, नाइदर आपका सेंस दे रहा कि मैं भी नहीं, नहीं भी का मतलब दे रहा नाइदर। लेकिन अब देखना, मुझे बताओ नाइदर आ गया तो आगे नोट लगाने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइदर आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है ऑलरेडी। आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि दो नेगेटिव आपकी एडवर्ब साथ में नहीं सकती, दो नेगेटिव सेंस कभी साथ में आ नहीं सकते, अपना रूल आगे भी आने वाला, अभी अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो नाइदर तुम नोट हो गया तो और नोट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर लिखूंगा मैं नाइदर आई डू, समझ में आ गया, मतलब ही डजंट लाइक कॉफी एंड नाइदर आई डू। मुझे बताओ यहां पर डोंट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे नाइदर मैंने यूज कर लिया, यहां पे मैंने नाइदर यूज कर लिया है, दैट मींस यहां पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, नहीं फिर भी इसमें प्रॉब्लम है। मुझे बताओ मैंने इन्वर्जन कहां किया अभी तक, इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो सेंटेंस अब सही बनेगा, इसको लिखना पड़ेगा नाइदर डू आई। और देखो आपको लगेगा कि इन्वर्जन है, आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका इन्वर्जन आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा ही डजंट लाइक कॉफी एंड नाइदर डू आई। यदि आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या फिर हॉलीवुड शोज देखते हैं तो बहुत बार आपका इन्वर्जन का यूज होता है, ठीक है। सेंटेंस बनेगा ही डजंट लाइक कॉफी एंड नाइदर डू आई। तो यहां पर यह क्या चीज है, यह इन्वर्जन है। Neither कहां पे आया, क्यों आया, नेगेटिव सेंस के कारण आया। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना सब्जेक्ट से। और इसका मतलब ये नहीं वो आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया, नहीं वो इंटरोगेटिव नहीं होगा, अभी भी अफर्मेटिव ही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका इन्वर्जन।
तो इसको यूज कैसे करना समझ में आ गया, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया ये वाला इन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। इन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, इसको याद ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं इसके अंदर, एक सेंटेंस और अपने पास, ही हैज अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड आई हैव ऑल्सो अप्लाइड, यानी उसने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया और मैंने भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया। इसका बनाना अब तो सीधी सी बात है कि जब ऐसे सेंटेंस आता है तो आपको उस वाले का इन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, इन्वर्जन ध्यान देना, तो यहां तक ठीक है, इसके बाद में करना आपने को इन्वर्जन। तो मैंने आपको कहा कि पहली बात यहां पे नेगेटिव सेंस है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, दैट मींस आपका क्या आएगा यहां पे, यहां पे आने वाला आपका एंड मैंने कर दिया यहां पे सो हैव आई, ये बनेगा आपका सो हैव आई, दैट मींस कि मैंने इस एग्जाम के लिए, उसने इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है और मैंने भी कर दिया है, तो सेंटेंस बनेगा एंड सो हैव आई। सो यहां पे क्या आएगा, एक तरह से एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, और हैव आई यहां पे सेंटेंस बन जाएगा। आपको पता है इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो आई के साथ में हैव आता है और हैव पहले आ गया, सेंटेंस बनेगा ही हैज अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड सो हैव आई, यानी मैंने भी कर दिया उसने भी कर दिया दोनों ने कर दिया, ठीक है। और मान लो कि यहां पे सेंटेंस ऐसे हो, थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं मैं, इसको कर दूं मैं ही हैजंट, इसको कर दूं ही हैजंट अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड इसके आगे लिख देता हूं मैं, इसके आगे लिखता हूं नाइदर सी हैज, नाइदर सी हैज, इसको करेक्ट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ही हैजंट अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड नाइदर सी हैज, देखो इसमें तो इन्वर्जन पहले करा हुआ है तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इन्वर्जन कहां करा हुआ है, करा तो नहीं, इसके आपको लगेगा कि इन्वर्जन किया हुआ है, लेकिन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, तो सेंटेंस बनेगा नाइदर हैज सी, न तो मैंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और न ही उसने किया है, तो बनेगा नाइदर, जो कि ये वाला है नेगेटिव सेंस में आ रहा है, नोट आ रहा है, इसलिए नाइदर, और इन्वर्जन करना पड़ेगा तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा, बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस अभी भी है, वो आपका इंटरोगेटिव नहीं बना है, आपका ये पॉजिटिव सेंस में आता है इन्वर्जन, समझ में आ गया। लेकिन इन्वर्जन होता क्यों है, किसी बात पे ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना इसके अंदर है क्या है, ये आपके सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, यदि और कोई होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मैंने अभी रिपीट किया था, मैं आपको बोला था अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, वो क्या था, वो ये था कि कभी भी दो नेगेटिव एडवर्ब एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। दोनों नेगेटिव होंगी तो देखो नेगेटिव सेंस आपको शो करना, तो एक ही काफी है, दो लगाने की कहां जरूरत है, दो लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, दैट मीन्स एक ही नेगेटिव एडवर्ब काफी होती है, सफिशियंट होती है, इनफ होती है, तो आपकी दो नेगेटिव एडवर्ब कभी भी एक साथ सेंटेंस में नहीं आ सकती। ये आपको एक तरह से स्टार लगा के बोल देता हूं मैं, है ना, टू नेगेटिव एडवर्ब्स आपको एक ही सेंटेंस में नहीं मिलेगा, एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकती, समझ में आ गया भाई। दो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, कौन कौन से होते हैं लिखा दूंगा मैं, लेकिन वो साथ में नहीं आएंगी क्योंकि यदि नेगेटिव सेंस शो करना है तो एक ही काफी है। कौन कौन सी है, देखो आपको मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, एक हो जाएगा इसके अंदर नॉट, नेवर, ठीक है, एनी, और इसके अंदर हो जाएगा आपका कौन कौन सा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, और देखो आपने ये वर्ड देखे इसका मतलब आप ये मतलब लगा देना लेटली, है ना, लेटली का मीनिंग डिफरेंट होता है, इसका मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, है ना। और इसके अंदर आपको बताया कौन कौन से हो जाएंगे, नाइदर, नाइदर अभी आपको मैं बताया था, एक आपका नेगेटिव और होता है सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, कभी कभार ऐसा काम होता है, मतलब सेल्डम, है ना, और आपका एक वर्ड और होता है बेरली, बेरली मतलब कभी कभार। ये आपका कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है,
Not, never, any, hardly, scarcely, rarely, neither, seldom और barely. ये आपके नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, साथ में कभी नहीं आएंगे, एक सेंटेंस में एक ही आएगा. सिंपल रूल है, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, ही हार्डली लाइक्स, ही हार्डली लाइक्स नथिंग इन दिल्ली. वह दिल्ली में बहुत कम चीजें पसंद करता है. ही हार्डली लाइक्स नथिंग इन दिल्ली. मुझे बताओ यहां पे हार्डली क्या है? बहुत कम, न के बराबर कोई चीज पसंद करता हो, है ना? तो हार्डली ये अपन नेगेटिव सेंस हो गया. लाइक एंड पसंद करता है, तो मुझे बताओ जब ये नेगेटिव, एको यहां पे मैं एक चीज लिखनी भूल गया ना, नथिंग क्या जाएगा, नथिंग भी इसमें आ जाएगा, नथिंग भी. तो नथिंग नेगेटिव है, इसको नोथिंग नहीं बोलेंगे, नथिंग बोलेंगे. नथिंग भी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव है. तो मुझे बताओ कि इनमें से आएगा तो एक ही आएगा इसमें, और यहां पे एनी आपका नेगेटिव में आता है लेकिन यहां पे नहीं होगा, है ना? तो देखो, ही हार्डली लाइक्स नथिंग इन दिल्ली, तो यहां पे सेंटेंस गलत है. तो आप हार्डली को चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज करोगे इसको, और इसको कंप्लीटली हटा भी नहीं सकते. ही हार्डली लाइक्स इन दिल्ली, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो आपको यहां पे कुछ और यूज करना है, और इसके जैसा ही यूज करना पड़ेगा. मुझे बताओ नेगेटिव में आपका सम आता है या फिर एनी आता है? नेगेटिव में, नेगेटिव में आता है एनी. तो यहां पे सेंटेंस बनेगा, ही हार्डली लाइक्स एनीथिंग इन दिल्ली. सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? ही हार्डली लाइक्स एनीथिंग इन दिल्ली. व्हाई नथिंग? व्हाई नथिंग क्यों नहीं होगा? नथिंग इसलिए नहीं होगा, नथिंग नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक को हटाना पड़ेगा, बिकॉज टू नेगेटिव एडवर्ब कभी भी साथ में नहीं आ सकती. समझ में आ गया? सो सेंटेंस विल बी करेक्ट लाइक, ही हार्डली लाइक्स एनीथिंग इन दिल्ली. और एनी क्यों आया, सम क्यों नहीं आया? बिकॉज नेगेटिव सेंस में आपका एनी ही आता है. समझ में आ गया? ठीक है. और देखो यहां पे अंटिल और अनलेस की बात करता हूं मैं. वैसे मैंने अंटिल और अनलेस को कब पढ़ाया है? जब आपके मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी अपन ने. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स में पहले पढ़ाया मैंने, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं. अंटिल और अनलेस बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया, आपको समझ आ जाएगा. तो यहां मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं. ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. देखो, बात करते हैं कुछ आपकी एक मैन वर्ब ऐसी होती है, कुछ मैन वर्ब ऐसी होती है जो नेगेटिव सेंस देती है. कौन कौन सी? लाइक आपका रिफ्यूज करना. रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना करना. तो मना करना एक तरह से नेगेटिव सेंस है. आप किसी को मना कर देते हैं, और मना करने को बोलते हैं आप फॉरबेड. फॉरबेड यानी मना करना, निषेध करना. एक होता है deny, DENY यानी खंडन करना. ये सारी आपकी वर्ब्स क्या है? नेगेटिव सेंस में आती हैं. सो यदि ये नेगेटिव सेंस में आती हैं, तो इनके साथ में नोट लगाने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी नेगेटिव है आपका कंप्लीट आपका यदि सेंटेंस, तो उसमें नोट लगाने की कहां जरूरत है? नोट लगाओगे एरर हो जाएगी. कौन कौन सी है मैं आपको सिंपल लिख देता हूं एक बार. एक आपका रिफ्यूज हो गया. ठीक है, आप चाहो तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो, डिनाई. डिनाई मतलब किसी बात का खंडन करना, अपने आप को डिफेंड करना कि आई डिनाई दिस एक्यूसेशन ऑन माई, है ना, कि मैं इस बात का खंडन करता हूं, डिनाई होता हो. या फिर हो गया फॉरबेड. फॉरबेड मतलब मना करना. आप किसी को बोलोगे कि ऐसा काम मत कर, तो हो जाएगा फॉरबेड. और जब यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इनके साथ में क्या नहीं आएगा? नोट एक तरह से नहीं आएगा. मैं शॉर्ट में लिखा हूं, नोट नहीं आएगा इनके साथ में. समझ में आ गया? मना करना होता है इसका मतलब मना करना. एग्जाम्पल देखते हैं. ही फॉरबेड, उसने मुझे मना कर दिया, तो यही मना कर दिया, नोट मत लगाना. ही फॉरबेड मी नॉट टू गो इन द स्कॉर्चिंग हीट. इन द स्कॉर्चिंग हीट, उसने मुझे मना कर दिया. क्या करने के लिए? कहां जाने के लिए? कि बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है, उसमें मत जाओ, है ना. तो स्कॉर्चिंग वर्ड आया है, इसका मतलब होता है झुलसा देने वाली. और सिर्फ स्कॉर्चिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी सनलाइट के लिए यूज होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको होता है. एक वर्ड होता है बॉइलिंग. बॉइलिंग भी आपको होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन बॉइलिंग कभी भी हीट के लिए नहीं आता. बॉइलिंग सिर्फ वाटर के लिए आता है. ठीक है, एक होता है आपका स्कॉल्डिंग, SCALD, उसका मतलब झुलसना होता है. ठीक है, जैसे पानी से गैस से झुलस गया. एक होता है आपका बॉइल यानी आपका उबालना. एक होता है पार बॉइल. ठीक है, एक होता है आपका SAUT, इसका मतलब होता है पकाना. सोटे इसको बोलते हैं, सोटे इसको मतलब पकाना. एक होता है बेक, BAKE, बेक मतलब अधूरा पकाना. ये सारे वर्ड आपके वोकैबुलरी में आते हैं. बेक हो गया, सोटे हो गया, पार बॉइल, बॉइल, बॉइलिंग, स्काल्ड. और यहां पर वो क्या है? स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाली गर्मी, और सिर्फ यह हीट के लिए आएगा. तो उसने मुझे मना कर दिया कि बाहर मत जाओ, बहुत
तेज धूप पड़ रही है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बताओ यहां पे फॉरबिड मना करना, जब फॉरबिड मना करना है तो यहां पे नोट का कोई काम नहीं है, नोट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस करेक्ट होगा ही फॉरबिड मी टू गो देयर इन द स्कॉर्चिंग हीट, आपको लगेगा कि यहां पे नोट आना चाहिए है ना, ही फॉरबिड मी नॉट टू गो इन द स्कॉर्चिंग हीट दैट मींस। लेकिन यहां पे आपको इसमें नोट नहीं दिख रहा, आपको ये वाला नोट तो दिख जाएगा लेकिन ये वाला नोट नहीं दिख रहा, आपको पहले से नेगेटिव है, इस वाले नोट की कोई जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, हटाना पड़ेगा, एरर आपकी समाप्त हो जाएगी। सेंटेंस बन गया सही, ठीक है। लेकिन देखो मैंने आपको अभी बताया कि दो नेगेटिव आपकी एडवर्ब आपके साथ में नहीं आ सकती, बताया मैंने आपको, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है इनमें भी, मतलब एक्सेप्शन का मतलब कि मैंने आपको बताया कि दो नेगेटिव एडवर्ब साथ में नहीं आ सकती, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ साथ आ भी सकती हैं और उनको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो मैं बात करता हूं उन एक्सेप्शन की जो ये कहेंगे कि हाँ दो नेगेटिव एडवर्ब भी साथ में आ सकती हैं, लेकिन कब आ सकती हैं? देखो आपकी जो फ्रेज वर्ड होता है फ्रेजेस, वो आपकी कभी चेंज नहीं होती, फ्रेजेस आपकी फ्रेजेस ही रहती हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस वो कभी चेंज नहीं होती है ना। तो कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं अपने पास जिसमें दो नेगेटिव एडवर्ब आती हैं, लेकिन सिंस वो फ्रेजेस हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते और उनका यूजेज भी सही होगा। कौन कौन से एक्सेप्शन उनको देखते हैं है ना, एक्सेप्शन देखते हैं इनके अंदर, कौन से रूल का एक्सेप्शन है कि दो नेगेटिव एडवर्ब साथ नहीं आ सकती है, लेकिन यहां पे आएंगी। तो कुछ फ्रेजेस अपने पास, और कौन सी फ्रेजेस हैं इनको देखना ध्यान से, एक अपने पास है सेल्डम, और सेल्डम के साथ में आपका है और नेवर, सेल्डम और नेवर एक फ्रेज है ठीक है, और इसके साथ में एक और है सेल्डम इफ एवर, दोनों आपकी फ्रेज है ठीक है। देखो तो सेल्डम आपका नेगेटिव होता है, नेवर आपका नेगेटिव होता है, लेकिन साथ में आएगा, साथ में आएगा क्योंकि ये फ्रेज है, और इसके अंदर आपका एक पार्ट और भी है लिटल और नथिंग। तो इस बार लिटल का मतलब क्या होता है, न के बराबर, इतना कम कि आपके लिए पर्याप्त भी नहीं हो, और नथिंग का मतलब वैसे नेगेटिव होता है, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं लिटल इफ एनीथिंग। तो आपको समझ आना चाहिए, चार मैंने आपकी फ्रेज लिखी है ठीक है, चार फ्रेज अपने पास, ये आपके क्या है, देखो यहां पे दोनों नेगेटिव हैं, यहां पे दोनों नेगेटिव हैं, इसको चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, दैट मींस यहां पे आपकी दो नेगेटिव एडवर्ब साथ में आ रही हैं, लेकिन सिंस ये फ्रेज है तो इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, इसको तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके है ना, एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखो कोई भी फ्रेज होती है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता है, फ्रेज जैसी है वैसी ही रहेगी, उस पर कोई भी ग्रामेटिकल रूल आपका लगेगा नहीं। रूल कहता था कि दो नेगेटिव एडवर्ब साथ में नहीं आ सकती, लेकिन सिंस ये फ्रेज है तो साथ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस पे एग्जांपल है ना, ही सेल्डम और एवर विजिट्स हिज रिलेटिव्स, वह कभी कभार अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, मिलता है ना, उनके पास विजिट करता मतलब उनके पास में जाता है। तो देखो यहां पे लिखा है ही सेल्डम और एवर विजिट्स हिज रिलेटिव्स, समझ में आ गया। तो देखो यहां पे सेल्डम आ रहा है और एवर, सेल्डम और एवर आपको दिख रहा है कहीं पे, यहां पे कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो, लेकिन नेवर जरूर है। तो यहां पे आपने फ्रेज को गलत यूज किया है, आप फ्रेज को चेंज नहीं कर सकते कि आपको कहोगे कि एक एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव एडवर्ब आएगी, या आपका रूल यहां पर गलत हो जाएगा कि यदि वो आपकी फ्रेज बन रही तो उसको फ्रेज बनाओ पहले। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा ही सेल्डम और नेवर, अब समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। भाई आपको सेंटेंस लगेगा कि एवर तो आपका पॉजिटिव है, सेल्डम आपका नेगेटिव है, और एक नेगेटिव आना चाहिए और एक ही नेगेटिव आ रहा है, सेंटेंस करेक्ट नहीं, सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रेज को आप चेंज नहीं करेंगे। यदि नेवर है तो एवर नहीं बन सकता, वो नेवर ही रहेगा, सेंटेंस विल लुक लाइक दैट ही सेल्डम और नेवर विजिट्स हिज रिलेटिव्स, मतलब वो अपने रिलेटिव्स को अपने रिश्तेदारों को कभी कभार ही मिलने जाता है, कभी कभार उनसे मिलने जाता है, ये आपको बोला गया यहां पे ठीक है। ये बात क्या किसकी हो गई, सेल्डम और नेवर, या फिर सेल्डम इफ एवर, दूसरा है लिटल और नथिंग, या फिर लिटल इफ एनीथिंग। समझ में आ गया कैसे यूज करना है आपकी फ्रेजल वर्ब्स को, फ्रेज को, जो फ्रेज होती है उस पर कोई भी ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता है तो आपको उसको चेंज नहीं करना, जैसी है वैसी दिखेगी ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं,
नेक्स्ट है इसके अंदर अपना एडवर्ब के अंदर ये टॉपिक चल रहा है। देखो अपने पास कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, सम टाइम एगो आता है कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ, और आपका आता है एक वर्ड और भी आता है इसके अंदर, टाइम के साथ में कुछ बिफोर भी आता है, और दोनों का मतलब तो सेम है, एगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो इनके यूजेज डिफरेंट है। कैसे देखना है इनको, जब आ रहा है कि कुछ समय पहले और इसमें एगो वर्ड आ रहा है, तो आपको उस वाले सेंटेंस के अंदर टेंस यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? जब भी आपका एगो वर्ड आ रहा है, एगो वर्ड AGO, देखो एगो और बिफोर दोनों का मतलब क्या होता है? पहले। तो जब पहले के लिए तो आपको पता पास्ट होगा, दोनों में पास्ट होगा, लेकिन दोनों में पास्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एगो वाले में पास्ट आएगा, वो भी किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। और जब आपका बिफोर आ रहा हो तो पास्ट में जाओगे नहीं, आप रहोगे प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के किस में? परफेक्ट में, क्योंकि काम पहले हुआ था ना, तो परफेक्ट तो करना पड़ेगा। ये दोनों आपके कॉमन होते हैं, इनको आपको याद करना है। बहुत बार इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि एगो और बिफोर में क्या है, तो यहां पे आपके पेयर में कौन से वर्ड हैं? कुछ आपका टाइम एडवर्ब आएगी प्लस एगो लिखा आएगा, टाइम एडवर्ब आएगी बिफोर लिखा होगा। सिंस दोनों का मतलब पहले होता है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा टेंस आता है। एगो में आता है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट, और बिफोर में आता है प्रेजेंट का परफेक्ट। एग्जाम्पल देखता हूं मैं इनके, है ना। पहला इसके अंदर एग्जाम्पल है अपना, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago. मुझे बताओ यहां पे 2 साल पहले की बात है, दैट मीन्स पास्ट तो है, 2 साल पहले मतलब पास्ट तो है, लेकिन वर्ड कौन सा आ रहा लास्ट में? एगो आ रहा है। तो एगो जब आ रहा है तो आपको देखना है कि एगो के साथ में टेंस जाएगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट, और यहां कौन सा है? यहां लिखा हुआ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको क्या है, क्या चेंज करना पड़ेगा? इस एगो को बिफोर में चेंज नहीं करना है। भाई आप कहोगे कि सर हम तो टेंस हो ये रखेंगे और एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे, नहीं, एगो को एगो ही रखना है, लेकिन एगो किसके साथ में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट के साथ में जाएगा। दैट मींस उसमें आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, दैट मींस आपको हैव हटाना पड़ेगा, और सेंटेंस बनेगा आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन 2 years अगो, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2 साल पहले कंप्लीट कर ली, पूरी कर ली, ठीक है। और कंप्लीट के लिए एक वर्ड और भी होता है आपका अकम्प्लिश। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अकम्प्लिश और कंप्लीट में, है ना। देखो अकम्प्लिश वर्ब होती है, उसका मतलब होता है सक्सेसफुली कंप्लीट करना, कोई काम जो आपने डिसाइड किया था यदि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिश। और अकम्प्लिश के साथ में एक वर्ड और भी आता है, उसको आप ध्यान रखें, है ना, ये होता है अकम्प्लाइज, ठीक है। कौन सा वर्ड आपका? कंप्लाइज। तो इस अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पाप में जो सहभागी होता है, ठीक है, कंप्लाइज जो होता है वो आपके पाप में सहभागी होता है, और अकम्प्लिश क्या होता है? किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ठीक है। ये आपके दो वर्ड अच्छे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, तो लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। अकम्प्लाइज पर्सन होता है जो आपके पाप में आपका साझेदार होता है, मतलब आप कोई क्राइम करते हैं और उसमें आपका कोई साझेदार होता है, आपका कोई हेल्प करता है, तो उसको भी मतलब कि इक्वल आपको सजा मिलेगी, तो उसको बोलते हैं सहभागी, है ना। और अकम्प्लिश जो वर्ब उसका मतलब होता है कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ठीक है। और अब देख लेते हैं बिफोर के बारे में, हाँ, बिफोर के साथ में क्या होगा? आई द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिगेन एट ईडन गार्डन्स ए फ्यू मिनट्स बिफोर। यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच है, जो कि स्टार्ट हुआ है ईडन गार्डन पे, वो कुछ ही मिनट पहले स्टार्ट हुआ है। तो देखो मैंने अब बोला ही क्या है, हुआ है, प्रेजेंट में बोला मैंने, तो हुआ था तो नहीं बोला ना, तो आपको बताया कि हमें बिफोर आ रहे हैं तो प्रेजेंट का सेंस आएगा, तो आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी, उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट का परफेक्ट। सिंस आपको बताया कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए हैज नहीं आ रहा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए हैज नहीं आ रहा, ये आ रहा मैच के लिए कि मैच स्टार्ट हुआ है, तो सिंगुलर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिगेन की आपकी फॉर्म क्या होती है? बीई जी यू एन, आपको पता होगा बिगिन यानी स्टार्ट करना, सेकेंड फॉर्म होती है बीई जी ए एन,
और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी ई जी यू एन, तो यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी, तो सेंटेंस बनेगा द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बिगन एट ईडन गार्डन्स ए फ्यू मिनट्स बिफोर। तो बिफोर को देखते हुए आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो आपको एगो और बिफोर में डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपके आज के सेशन में इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट सेशन में अपन और एडवर्ब्स लेके आएंगे, क्योंकि एडवर्ब आपका काफी अच्छा टॉपिक है और लंबा भी है और कंफ्यूजन ज्यादा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।